गोंडवाना अर्थात गोंडों के रहने का स्थान। गोंड एक ऐसा समुदाय है जो प्राचीन विरासत को समेटे हुए है और वो आज वनवासी जनजातियों के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि हिमालय की उम्र लगभग 7 करोड़ साल, गंगा की उम्र लगभग 6 करोड़ साल है, उसी प्रकार गोंडवाना संस्कृति के सूचक अमरकंटक की अनुमानित आयु 35 करोड़ साल है। गोंडी इतिहासकारों के अनुसार शंभु सेक अर्थात महादेव जी इस संस्कृति के प्रथम पुरुष हैं तथा आदिकाल से ही यह संस्कृति उन्नत रही है। जो प्राकृतिक संस्कृति है, जो यहाँ के संगीत के यानी पुरोधा हैं, जो कि हमारे यहाँ शिव जी हैं जिनके तांडव नृत्य से यह स्वर साधना हुआ है, भाषा लिपि बनी है। गोंडी गाथाओं में महादेवों के 88 पीढ़ियों का जिक्र आता है तथा इन महादेवों की ही समस्त गोंडवाना भूभाग पर अधिसत्ता रही है। कहा जाता है कि शंभु सेक के डमरू की आवाज से ही गोंडी भाषा उत्पन्न हुई तथा लिपिबद्ध की गई। हजारों वर्ष पूर्व भी गोंड जनजातियों के द्वारा मानवीय समरसता और सद्भाव का पालन किया जाता रहा तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना तथा प्रकृति से प्रेम भी यहीं से देखने को मिलता है। ये गोंडवाना संस्कृति एक बहुत ही अति प्राचीन संस्कृति है जो प्रकृति के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल, यानी अपने गीत और वाद्य के कोई कहीं से सीखते नहीं, ये अपने आप जैसे कवि और कलाकार बनते नहीं पैदा होते हैं, वैसी ये गोंडवाना संस्कृति गुण वो भी अपने देश काल परिस्थिति के अनुकूल हर क्षेत्रों में। समय के अंतराल के साथ महादेवों के अंतिम पीढ़ी में शंभु पार्वती का उल्लेख मिलता है। उसके कुछ समय बाद युद्ध काल में गोंडवाना के लोगों को जंगल की ओर पलायन करना पड़ा, इसी वजह से वो प्रगति की मुख्य धारा से अलग हो गए, जिसकी वजह से इनकी उन्नत पर काफी असर पड़ा। मूल निवासी जब पहाड़ों पर चले गए तो उनकी संस्कृति तो उतना सुरक्षित रही। यहाँ की जितनी शूद्र कहे जाने वाली जातियां हैं वह इस गोंडवाना लैंड की निवासी होने के नाते सभी गोंड हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक गोंडी राजवंश खेरला, गढ़, मेडला, देवगढ़ और चौदागढ़ में राज करते थे। प्रसिद्ध रानी दुर्गावती भी गोंड जनजाति की ही थी, लेकिन धीरे धीरे वनवासी और जनजातीय बने गोंडवाना के लोग अपनी प्राचीन विरासत को भूलने लगे और हर क्षेत्र में ये हीन भावना से ग्रस्त हो गए। बदलते परिवेश और अंधाधुंध पश्चिमी संस्कृति की तरफ जनमानस का आकर्षण बढ़ने की वजह से गोंड समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत भूलता जा रहा है और इसका प्रमाण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमांत इलाके में प्रसिद्ध गुड़ौन नृत्य पर भी देखने को मिलने लगा, जहां ये कला दम तोड़ती हुई दिखने लगी। ऐसे में किसी न किसी को सामने आना ही था। ये विलुप्त होता हुआ गुड़ौन नाच जो हमारा बहुत पुराना संस्कृति है, ये विलुप्त हो रहा था, इनमें बहुत सारी कमियां और खामियां रही हैं, इसको संशोधन करते हुए हम इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसमें हमारे पूरे समाज और मेरा खुद का इसमें सहयोग बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत मेरी पहली शुरुआत है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुँच जाए। जब कलाकार असहाय नजर आने लगे, ऐसे में बलिया जिले के प्रसिद्ध गोंडवाना समाज के लोक कवि लिंगो रामदेव जी के प्रथम पुण्यतिथि पर जिला स्तरीय गुड़ौन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उस क्षेत्र की 35 टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दिखाई। इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, वेस्टर्न कल्चर से पैदा नहीं हुए, हमारी पूर्वांचल अपनी धरती है, यहाँ हमारा जो संस्कृति है मैंने बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। पिताजी के साथ हमारे कवि थे तो उनके साथ से ही हमें मन में ये भावना थी कि इसको आगे बढ़ाना है। स्वर्गीय रामदेव कवि जी
कि पूरे प्रथम पूर्ण तिथि पे ये कार्यक्रम का हम लोग आयोजन किए हैं, और जो हमने सोचा था कि इस संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाई जाए, उम्मीद से ज्यादा हम सफल हुए। मुन्ना जी की भावनात्मक प्रेम अपने पिताजी के प्रति थी, और उन्होंने इसको इसी जगह से उनकी पुण्यतिथि से स्टार्ट करने की इच्छा जाहिर की। अरविंद जी ने गौड़वाना समाज के सारे लोगों को एकत्रित किया और इस पे छोटी छोटी बारीकियों से शोध की गई कि क्या इसमें कमियां हैं और क्या इसकी अच्छाइयां हैं। इन्होंने एक ऐसा मंच दिया कि ग्रामीण परिवेश में अब सिर्फ गोंड ही नहीं, दूसरे समाज के लोग भी गोंडों नृत्य को बड़े ही शान से करके और गर्व महसूस करेंगे, फक्र महसूस। और इन्होंने देखिए कितना टैलेंट है। रामदेव गोंड की कमी नहीं है, सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहे हैं, इसलिए आज उनके पुण्यतिथि पर एक बार गर्व का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन है सराहनीय है, इसी तरह हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें। कलाकार उपेक्षित ना रहे, हीन भावना से ग्रस्त ना हो, उनको अपनी कला पर गर्व हो और अपनी कला का अभिमान हो, इसके लिए और प्रयास करने की जरूरत है। ज्यादा इसमें आमदनी होता नहीं है, कोई इसमें घुसना नहीं चाहता, अपना लड़का का या कोई भी उसमें घुसना नहीं चाहता कि इसमें पूरा प्रॉफिट तो है नहीं, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसीलिए मेरा धंधा चलता है, धंधा है हमारा, ये बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे और बाल बच्चा क्या खाएंगे। पहले में अब में अंतर देखा तो जा कुछ काला भी बढ़ल बा, हाँ। पहले गाड़ी गुप्ता रह लेना, हाँ। बहुत सारी कमियां थी जो इनके डायलॉग्स हैं जो पुरानी सभ्यता की हैं, ये रफ लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो हम इसको संशोधन भी करेंगे। खुद भी मैं एक राइटर हूँ और इस तरीके से मैं सोचा कि इसको आगे बढ़ाए। इस कला में अगली पीढ़ी के लोग खुशी से आए, जिससे इसकी निरंतरता बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। ये गोंड नाच जैसे हमारा बड़े भाई सुदामा पासवान चलावत रहले हन, तो हमारा शौक लागल कि हमहू भैया लेखा करके देखलाई, तो भैया के जमाना में किछु कमी रहलै तो ओकरा के हम आगा पढ़े और बढ़ावल चाहत तनी कि हमारा भी नाम मेरा भैया के नाम रोशन होखे। इस समाज से निकले भोजपुरी फिल्म उद्योग के लोगों ने भी इस कला को फिल्मों के माध्यम से और जीवंत करने की बात कही। मेरा यही प्रयास रहेगा कि इन सब फोक को हम फिल्मों में पिरोएं और फिल्म को इसी से सजा करके फिल्म को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। गुड़ों नृत्य के पुराने दर्शकों के साथ साथ नई पीढ़ी के दर्शकों ने भी इसमें गहरी रुचि दिखाई। और पहले इसमें क्या होता था कि थोड़ी सी भद्दी व्यवस्था होती थी जो कि लोग अपने घरों में नहीं देख पाते थे, आज यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हुई है जो कि हर कोई देखने चाह रहा है। आज का गुड़ों समाज में वो अभद्रता देखने को हमको नहीं मिला, गांव के बाहर हुआ करता था प्रोग्राम, वो अब जो है इसको घर के समीप घर के अंदर ले आया गया। जो हम पहले देखते थे वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग अश्लीलता का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग कला का प्रयोग किए। लिंगो कवि रामदेव की कृतियों, अपने समाज और कला के प्रति उनके योगदान को याद किया गया और कलाकारों ने उस दिव्यात्मा को याद करते हुए निर्गुण गीत उन्हें समर्पित किया।